हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको फिर से एक न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज मैं मेरी गाड़ी का जो हेड है, हेड को खोल रहा हूँ। और गाड़ी में फ्रेंड, हेड खोलने से पहले क्या क्या खोलना पड़ता है, जो छोटा बड़ा पाइप है सबको मैं खोल रहा हूँ एक साथ, ठीक है। इस वीडियो में आपको मैं दिखा रहा हूँ क्या क्या मैं मतलब हेड को खोलने से पहले करना पड़ता है। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हेड को खोलना है, ठीक है। अगर मान लो आपको गाड़ी में हेड गैसकेट बदलना है तो वो भी काम एक साथ हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके क्या क्या खोलना पड़ता है। तो अभी फ्रेंड, इसका जो टर्बो का जो होस पाइप है उसको अभी खोल देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो टर्बो का होस पाइप है उसको भी हम खोल देंगे। और अभी फ्रेंड, इसका जो इंटरकूलर है, इंटरकूलर को भी खोलना होगा। इसको फ्रेंड मैंने पहले क्लीन किया था जब ये मेरे पास था उस वक्त, तो इसको भी हम फिर से क्लीन करेंगे बाद में। अभी ये जो आप देख रहे हो, ये हमारा 10 नंबर वाला बोल्ट है। 10 नंबर वाला बोल्ट को खोलना होगा अभी। जो मैं काम अभी कर रहा हूँ फ्रेंड, ये अगर कोई दूसरा मैकेनिक करे गैरेज पे तो 5 से फ्रेंड 8 हज़ार तक इसमें खर्चा आ सकता है जो मैं अभी कर रहा हूँ। इसलिए फ्रेंड मैं आपको बोल रहा हूँ, सब कुछ आप लोग खुद रिपेयर करना सीखिए इंडिका इंडिगो का। वीडियो को फ्रेंड आप लोग एंड तक देखना, तब आपको समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। कुछ लोग ऐसे फ्रेंड बीच में वीडियो छोड़ देते हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आता। और अभी फ्रेंड आपको क्या करना है, यह देखिए, ये लो जब देख रहे हैं, दो फ्रेम दोनों साइड में दिया गया है, दोनों को ही खोलना होगा, ठीक है। इसमें भी फ्रेंड 10 नंबर वाला बोल्ट लगी है।
और फ्रेंड अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यह देखिए इस पुली को मैं आपको घुमा के दिखा रहा हूँ कि ये जाम हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपकी गाड़ी में टाइमिंग सही है तो ये फ्रीली फ्रेंड घूमना चाहिए जब आप लोग इसको रोटेट करेंगे, ठीक है। यह देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, 18 नंबर वाला रेंच इसमें डाल के फ्रेंड आपको घुमाना है ऐसे। यह देखिए यह भी इजीली आ रहा है, ठीक है, इतना तक आ रहा है इजीली। अभी यह देखिए यह थोड़ा जाम हो रहा है, ठीक है, इधर देखिए ये जाम हो गया है, तो इसका मतलब फ्रेंड गड़बड़ है, ठीक है। यह देखिए बहुत मुश्किल से आ रहा है अभी। यह देखिए अभी नहीं आ रहा है, तो उसी के कारण फ्रेंड ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था पहले, और गाड़ी बहुत झटका ले रही थी। अगर गाड़ी स्टार्ट हो भी रहे थोड़ा टाइम के लिए तो गाड़ी बहुत वाइब्रेट कर रहा था पहले। और दूसरा एक चीज़ देखिए, यहाँ देखिए टाइमिंग बेल्ट बहुत टाइट है, इधर देखिए बहुत ज़्यादा टाइट है। तो ऐसा अगर टाइट है फ्रेंड तो ये गलत है, ठीक है, इसको थोड़ा लूज़ करना है, थोड़ा फ्रेंड लूज़ करना है, इतना टाइट सही नहीं है, ये ओवर टाइट है, ठीक है। तो अभी फ्रेंड टाइमिंग बेल्ट को भी खोलना होगा, इसका जो टाइमिंग है फ्रेंड टाइमिंग तो अभी गलत हो जाएगा, लेकिन बाद में मैं इसका टाइमिंग सेट करूँगा और आपको भी मैं सिखाऊँगा कि कैसे इसका टाइमिंग करना है। इस बोल्ट को लूज़ करना है, यह देखिए ये जो आप देख रहे हैं इसको लूज़ करना है। अभी हमारा टाइमिंग बेल्ट लूज़ हो गया है, यह देखिए इस पुली को जब आप लोग फ्रेंड लूज़ करेंगे तो टाइमिंग बेल्ट ऑटोमेटिकली लूज़ हो जाएगी। ये पुली इसको एलेंकी से फ्रेंड टाइट करना होता है, इधर देखिए अभी ये लूज़ हो गए हैं। ये सब फ्रेंड काम करना बहुत मुश्किल होता है, मैं एक ही हाथ से वीडियो कर रहा हूँ और एक हाथ से काम कर रहा हूँ। टाइमिंग बेल्ट खोल चुका है, तो इधर देखिए फ्रेंड हेड को खोलने से पहले यह देखिए जो छोटे छोटे हमारा लगी है सबको खोलना होता है। यह हमारा ईजीआर वैक्यूम पाइप, इधर देखिए तो फ्रेंड मैंने इसमें यह देखिए इसका जो टर्बो का लाइन है उसको मैंने खोल दिया है, जो हमारा एग्जॉस्ट है टर्बो में लगी है उसको मैंने खोल दिया है। तो आज फ्रेंड काम बस मैं इतना ही किया हूँ, बाकी काम फ्रेंड कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि अभी इवनिंग टाइम हो गया है और बहुत टाइम हो गया फ्रेंड मैं इसमें काम कर रहा हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा घर जाना है। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको मिलता हूँ कल, कल इसका जो फ्रेंड हेड हेड को मैं फाइनल खोल दूँगा, और अभी इसमें जो छोटा बड़ा काम था फ्रेंड उसको मैंने आज किया है, तो बाकी काम हम कल करेंगे, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल।